हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे इसी चैनल क्यूबिंग एक्सपर्ट में फिर से एक बार। तो आज हम क्रॉस के बारे में, एडवांस क्रॉस के बारे में कैसे सॉल्व करते हैं, और हम लोग थोड़ा OLL के बारे में जानेंगे और एडवांस क्रॉस को हम लोग और एलाबोरेटली जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं। तो यह रहा हमारा ज्ञान क्यूब 3x3, तो बॉक्स को साइड में रखते हैं। तो ये रहा हमारा ज्ञान क्यूब, तो ये तो पहले से ही सॉल्व है, इससे पहले हम स्क्रैम्बल कर लेते हैं। तो ये लगभग पूरा पूरा स्क्रैम्बल हो चुका है। तो चलिए हम लोग एडवांस क्रॉस के बारे में थोड़ा और जानें। तो लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कि कैसे सॉल्व करते हैं एडवांस क्रॉस, तो आज थोड़ा डीपली समझते हैं। तो जैसे मुझे वाइट इसे नीचे रख के वाइट क्रॉस बनाना है, तो उसके लिए हमें इस ग्रीन वाइट रेड वाइट और ब्लू ब्लू वाइट ऑरेंज वाइट इन कलर्स को मिलाना पड़ेगा। तो पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वाइट ऑरेंज है जो पीछे जाने वाला है इसके ऑपोजिट में, और यहाँ पर है वाइट ब्लू, ये यहाँ पर जाने वाला है। तो दो कलर्स मिल गए, ये रहा रेड वाइट जो यहाँ जाने वाला है, तीसरा मिल गया। और उसके बाद बचा ये ग्रीन वाइट जो यहाँ जाएगा। तो हम इसे एक एक करके ऐसे ले जाएंगे, तो ऐसे करके तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम इसमें देखेंगे कि इसे हम स्टेप्स स्किप करके कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर पाएँ। तो हमें आप अगर प्रैक्टिस करते जाएंगे क्रॉस को जल्द से जल्द जल्द जितना जल्दी प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आप इसमें ऑटोमेटिकली समझ पाएंगे किसे कैसे स्टेप्स को स्किप किया जाता है। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर रेड है, ब्लू है, और यहाँ पर ऑरेंज है, और यहाँ पर है ग्रीन। तो मैं अगर रेड को यहाँ पर लाता हूँ और इसे दो बार घुमाता हूँ, तो ये रेड यहाँ पर मिल जाएगा, उसके बाद ब्लू भी यहाँ पर मैच हो जाएगा एक स्टेप घुमाने पर, तो ये मैच हो गया। और ग्रीन और ऑरेंज हमें यहाँ मिले, तो ऑरेंज को यहाँ पर ले जाना है। तो हम ग्रीन को अगर यहाँ पर ले जाते हैं, तो ऑरेंज को दो बार इस तरह घुमाएंगे, तो ये भी यहाँ ऑरेंज के साथ नीचे आ जाएगा, और ऐसे हम लोगों का सॉल्व हो जाएगा क्रॉस। तो आपने देखा कि कैसे हम कम स्टेप्स में वाइट क्रॉस को सॉल्व कर दिए। तो अभी फिर से स्क्रैम्बल करते हैं और एक बार देखते हैं। और मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं, आप कम से कम 7-8 या फिर 6, कभी कभी 6 स्टेप्स में भी आप क्रॉस को स्पीड के साथ सॉल्व कर पाएंगे। और इस प्रैक्टिस के साथ साथ आपको ट्रिक्स समझ में आती जाएंगी, आपके मसल मेमोरी में रिकॉर्ड होती जाएंगी। तो ये रहा हमारा न्यू स्क्रैम्बल फिर से। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइट नहीं यहाँ पर है नीचे, तो इसे हम नीचे रख के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नीचे रख के यहाँ पर वाइट है, तो हमें सॉल्व करना है। तो अभी हम और एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि आपको जैसे यहाँ पर ऑरेंज है, ब्लू है, ये सीरियल आपको याद रखना पड़ेगा अगर आप वाइट क्रॉस सॉल्व करते हैं, कि यहाँ पर ऑरेंज के बाद ब्लू आता है, ब्लू के बाद रेड, रेड के बाद ग्रीन। इससे आपको ये एक चीज़ की मदद मिलेगी, आप अगर जैसे कि यहाँ पर मैं रेड को यहीं पर सॉल्व करता हूँ, जैसे कि ब्लू के बाद रेड आता है, तो रेड को मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया, ब्लू को यहाँ कर दिया, तो ये सीरियल मेंटेन रहा। उसके बाद रेड के बाद ग्रीन होता है, तो हमें यहाँ पर ग्रीन ग्रीन यहाँ पर ग्रीन चाहिए रेड के बाद। तो उसके लिए हम इसको दो बार घुमाते हैं, ग्रीन मिल गया, रेड के बाद ग्रीन, और ग्रीन के बाद ऑरेंज होता है, जैसे कि यहाँ पर ग्रीन के बाद ऑरेंज है, तो हमें यहाँ पर ग्रीन के बाद ऑरेंज चाहिए। तो हम इसे ग्रीन के बाद ऑरेंज सीरियल को मेंटेन करते हैं। फिर अगर यहाँ पर हम लोग सेंटर पीस के साथ नहीं भी मिलता है, और हम लोग अगर पहले से सीरियल को मेंटेन किए हैं, तो जैसे कि हम लोग इसे एक या दो बार घुमाएंगे, तो एक सेंटर पीस के साथ कलर मैच हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले सीरियल्स मेंटेन किया था, रेड
ग्रीन ऑरेंज ब्लू, तो ऐसे आप एडवांस क्रॉस को बराबर सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और भी जानेंगे।